हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक शर्मा, यू आर एजुकेटर, वेलकम्स यू ऑल इन द बायोसोम्स, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल एलिमेंट। मतलब आज का जो बायोलॉजिकल मुद्दा है वो है केमिकल एलिमेंट्स पर। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, देन उसके बाद पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे बॉडी में कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है? एक जैविक प्रणाली। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क। इट मीन्स कि यह एक अंगों का समूह है जो विशेष कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करता है, मतलब एक साथ काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं केमिकल एलिमेंट के बारे में। तो कौन कौन से एलिमेंट और किस तरह से हमको रिक्वायर होते हैं, किस तरह से हमको बॉडी में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? तो टोटल 25 एलिमेंट हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्मड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन इन अनदर एटम। जैसे हम किसी फ्रेंड से कैसे मिलते हैं, पहले तो हम अनजान रहते हैं, बाकी हम कैसे एक दूसरे को जानते हैं, जब वो हमारे पास आता है या हम उसके पास जाते हैं और धीरे धीरे हम बातचीत करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं जिससे हमारी क्या होती है, फ्रेंडशिप होती है। वैसे ही केमिकल बॉन्ड भी ऐसे ही करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करवा कर क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। दिस अलाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और इसी तरह बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। कौन? केमिकल बॉन्ड्स। और हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स। और अब आ गए हम एलिमेंट्स में। अब हम एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि कितने एलिमेंट्स कितने प्रतिशत में हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो देखिए, फोर एलिमेंट्स मेकअप 96% ऑफ लिविंग मैटर। मतलब चार एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी में 96% घेर रखा है हमारी बॉडी को। वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन ने 18%, हाइड्रोजन ने 9.5%, ऑक्सीजन ने 65% और नाइट्रोजन ने 3.2% हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारी बॉडी में मिलेंगे। इसके बाद आते हैं कि बचे हुए 3% कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि 3% में आते हैं, बचे हुए 3% में आते हैं। फोर एलिमेंट्स मेकअप मोस्ट ऑफ रिमेनिंग 3%। उसमें है फॉस्फोरस 1.2%, कैल्शियम 1.5%, सल्फर 0.2%, पोटेशियम 0.4%। अब वो 96 था, ये 3 है, मतलब ये हो गया 99। अब बचे 1%, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द 1%, मतलब हमारे निमाड़ी भाषा में बोलते हैं रया सया, मतलब बचे हुए। तो रह सया एलिमेंट्स में कौन है? Fe2+, Mg2+, 0.2%, Zn2+, Mn2+, सोडियम 0.2% एंड क्लोरीन 0.2%। तो इसी तरह के हमने 100% एलिमेंट जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसको देख लिए हैं। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देन हमने देखा फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम। और उसके बाद हमने कुछ ऐसा एलिमेंट देखा जो कि 1%, मतलब बहुत कम मात्रा में हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वो है Fe2+, Mg2+, Zn2+, Mn2+, सोडियम और क्लोरीन। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्राज में। आज हमारे पास एक्स्ट्राज में क्या है? आज हमारे पास जैसे कि पहले हम देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, तो कितने प्रतिशत जल, वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो फीटस में 100%, बेबी एट बर्थ में 80%, नॉर्मल एडल्ट 70% एंड एल्डर पर्सन 50%। तो अगर इन एन एवरेज देखा जाए तो वाटर 62% हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन 16%, फैट 16%, कार्बोहाइड्रेट 1% एंड मिनरल्स 6%। तो ये हमने पूरे जाना कि किस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम काम करता है और कितने कितने केमिकल एलिमेंट्स कितने कितने प्रतिशत में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें और कमेंट में जाकर बताएं कि हमें क्या सुधार की ज़रूरत है और किस जगह सुधार की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।